नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम सिंगरौली जिले के ग्राम पंचायत कटाई शासकीय प्राथमिक पाठशाला नवीन पाठशाला है और यहाँ पर अभी देख सकते हैं ये किचन अभी खोला जा रहा है और टाइम देखेंगे 12:30 का टाइम हो चुका है। बच्चों का लंच टाइम हो रहा है और यहाँ पर अभी यहाँ ताला खुल रहा है। सबसे पहले तस्वीरें ये देख लें, कैमरा मैन थोड़ा नज़दीक से दिखाएंगे। जो खाना बनाते हैं रसोइयाँ वो अभी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। सबसे पहला नज़ारा यहाँ पर देखेंगे, अभी ये किचन का ताला खोला जा रहा है। देख सकते हैं ये किचन है और किचन का ताला ये खुल चुका है। अंदर की सफाई भी पहले देख लें, खाना भी बनेगा और 1:00 पर लंच का टाइम होता है और 12:30 बज चुके हैं। अभी 12:30 अभी हो चुके हैं और इस वक्त ये ताला खुला है। क्या नाम है आपका? नज़दीक से लीजिए, क्या नाम है? तो कितने बजे खाना देते हैं बच्चों को? तो अभी 1 घंटे में पूरा खाना बन जाएगा, 1 घंटे में खाना बन जाएगा। सफाई यहाँ पुताई लिपाई सफाई बिना सफाई की बनता है खाना? तो कितने बजे सफाई होता है? सब बटोर सके कि खाना बन नहीं डेढ़ बजे। अच्छा, यानी पूरा बटोरने के बाद भी यहाँ खाना बन जाएगा। आज कितने बच्चे हैं स्कूल में? पता नहीं अब जब है। तो कितना राशन लेके आए हैं आप यहाँ पर खाना बनाने के लिए? रखा है। और ये बैग में झोला में क्या लेके आए हैं? देखेंगे यहाँ पर ये सब्जी, यहाँ देख सकते हैं ये सब्जी और ये सब्जी है। यहाँ पर जो पूर्व सरपंच है ग्राम पंचायत के, उनके द्वारा यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ये सब्जी है और ये चावल रखा हुआ है देख सकते हैं यहाँ पर। और ये झोला में क्या है? दाल और चावल और है। अब बच्चे कितने हैं ये देखने के बाद, और जो सफाई की बात आ रही है, आप चूल्हे की तरफ एक नज़र देखेंगे, ये सफाई है यहाँ का और इसी में भोजन बनेगा अभी बच्चों के लिए। और 12:30 यानी 12:30 हो चुका है और अभी यहाँ पर देख सकते हैं ये तस्वीरें हैं। और इसके बाद अभी 1:30 पर लंच होगा। बच्चों को जो खाना मिलना है वो भी तस्वीर दिखाएंगे कैसे खाना बनता है। और चलिए हम आगे उस साइड का दिखाते हैं, जो विद्यालय की कहानी है वो भी दिखाते हैं। विद्यालय में बताया जा रहा है कि 80 बच्चे रजिस्टर्ड हैं। इस विद्यालय में 80 बच्चों का रजिस्ट्रेशन है, 80 बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं और यहाँ पर कुछ बच्चों के जो अभिभावक हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। क्या नाम है सर आपका? बाबूलाल कुशवाहा। ये विद्यालय कितने बजे खुलता है और कितने बजे छुट्टी होता है, जो लंच का बच्चों का खाना होता है? विद्यालय का तो खुलने का 10 बजे टाइम देते हैं और यहाँ खाना खाने का इनका लंच 1 बजे होता है, कभी 12 बजे कभी 1 बजे आते हैं। नहीं, अभी अभी आप देख रहे हैं 12:32 हाँ, हो चुका है और यहाँ पर देखेंगे अभी ताला खुला है, अभी किचन खुला है और 1:30 पर लंच का टाइम हो जाएगा बच्चों के भोजन का। तो 1 घंटे का समय है, उसमें सफाई भी अभी नहीं हुआ है, कितना जल्दी हो सकता है? 1 बजे तक इन बच्चों का लंच होता है, 1 बजे तक इनका खाना बनता है। जब 2 बजे बच्चे स्कूल बैठते हैं तब इनका खाना बन पाता है। यानी हमारे बच्चे का भविष्य खाना तक ही है, पढ़ाई में नहीं है। और सारी समस्या ये है, ये समूह का समस्या है। दूसरी चीज़, आज 25 साल से एक मास्टर थे, उनका प्रशासन शासन ट्रांसफ़र कर दिया, अतिथि का भेजते हैं, अतिथि से लड़के नहीं पढ़ पा रहे हैं। हम आग्रह करता हूँ, आपके माध्यम से निवेदन करता हूँ कि हमारा जो मास्टर पुराने थे उनको वापस किया जाए या कि हम लोगों को TC दिया जाए। और हर बच्चे से, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं अभिभावक बोल रहा हूँ बच्चों को, बच्चों से आप पूछ लिया जाए सर कि किस मास्टर से वो पढ़ना चाहते हैं, किस मास्टर से नहीं पढ़ना चाहते हैं। आज 15 दिन में 1 दिन होमवर्क नहीं गया है, तैनाती में मास्टर को लगाया गया था, 1 दिन गए। आज से मास्टर साहब आए हैं, उनके द्वारा अच्छी पढ़ाई हो रही है, 80 लड़के में 1 मास्टर कैसे पढ़ाएं? चलिए, सबसे बड़ी बात जो आप बता रहे हैं उस बात को हम जानेंगे, बच्चों से भी बात करेंगे और जो विद्यालय में वर्तमान में शिक्षक हैं हम उनसे भी बात करेंगे। और विद्यालय का ये गेट का नज़ारा दिखाएंगे यहाँ पर पहले। और यहाँ पानी का जो सुविधा रखा गया है, सबसे पहले धूप में रख दिया गया है, गर्मी इतनी तेज़ है, बारिश हो नहीं रही है और जो बच्चों के लिए पानी आ रहा है बाटल में धूप में रखा हुआ है, ये देख सकते हैं, और इसी को बच्चे पीते हैं। और जो मास्टर साहब है यहाँ पर जो पढ़ाते हैं, थोड़ा सा बात करेंगे। सर क्या नाम है सर आपका? अभिषेक वैद्य। तो सर ये बताएं कि जो आपके विद्यालय में बच्चों को भोजन दिया जाता है, कितने बजे दिया जाता है? सर 1 बजे। तो 1 बजे अभी कितना टाइम हो रहा है आपकी गली में? सर 12। तो 1 बजे कैसे दे पाएंगे खाना? 1 घंटे में खाना मिल जाएगा बच्चों को, दाल चावल सब्जी जो भी बनता है 1 घंटे में बन जाएगा पूरी चीज़। अभी सफाई नहीं हुआ किचन का और आप विद्यालय में हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को, तो कुछ आपकी भी जिम्मेदारी होती है। बच्चों को खाना कैसे मिलता है, क्या सफाई रहती है नहीं रहती, भोजन कैसे बनता है, ये तो आपको भी देखना चाहिए सर। क्या कहेंगे? ये नहीं, थोड़ा लेट आते सर, आज ही लेट हुआ है, बाकी टाइम से आते हैं।
ये आज हुआ है, पहली बार है, और पहली बार लेफ्ट किए और पहली बार ही हम आ गए, देख सकते हैं। और जो विद्यालय के जो बच्चे हैं, जो क्लास लगी है, ये तस्वीर देखेंगे यहाँ पर, और इस साइड में भी तीनों कमरों में क्लास लगी हुई है। यहाँ पर बच्चे हैं, और बच्चों से क्या कुछ बनता है हम ये भी पूछेंगे। भैया ये कौन से कक्षा है, कौन से कक्षा में पढ़ते हो आप जी? और नज़दीक से लीजिए, कौन से कक्षा में पढ़ते हैं आप? क्या नाम है आपका जी? ब्रिज कुमार जी, चौथी कक्षा में आप पढ़ते हैं। क्या क्या आपसे बनता है? आप किस जिले में रहते हो ये बताओ पहले। आपके जिले के कलेक्टर का नाम बताइए, अपने जिले के कलेक्टर साहब का नाम बताइए। नहीं बताएंगे तो देख सकते हैं, ये विद्यालय पांचवी तक का विद्यालय है, और जो शिक्षकों की लापरवाही है ये भी हम दिखाएंगे, क्योंकि जो पांचवी तक के बच्चों को अपने जिले के कलेक्टर का नाम, अच्छा गांव के सरपंच, आप गांव में रहते हो ना, अपने गांव के सरपंच का नाम बताइए। ये सुन सकते हैं ना, तो गांव के सरपंच का नाम नहीं पता है, कलेक्टर का नाम तो कैसे पता होगा, अंदाजा लगाया जा सकता है। और ये तीन कमरा है, यहाँ पर तीनों कमरे में क्लास अभी जारी है, और यहाँ पर एक ही शिक्षक है। एक ही सर आप बसे, कितने लोग हैं यहाँ पर शिक्षक? शिक्षक तो तीन लोग हैं जी, लेकिन दो सर लोगों को दूसरी जगह पेश किया गया। तो अकेले आप तीनों कक्षा में कैसे संभाल पा रहे हैं तीनों कमरे में? आप अतिथि में है या फिर गवर्नमेंट की तरफ से? संविदा परमानेंट है तो फिर ये जो यहाँ पर शिक्षकों की कमी है, इसको लेकर कि आपने विभाग को सूचित नहीं किया कि यहाँ पर बोला गया है, अभी कुछ समय पहले सर का ट्रांसफर हुआ है कैलाश कुमार जी का, उनकी जगह दूसरे सर आने का बोला गया है कि अभी। क्या लगता है कब तक आ पाएंगे? बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, अंदाजा लगा सकते हैं, आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं सर। और ये बच्चे छोटे छोटे हैं, इनको अभी अपने जिले का नाम नहीं पता, अपने जिले के मुखिया कलेक्टर का नाम नहीं पता, कैसे क्या होगा सर? चलिए यहाँ पर जो पूर्व सरपंच है गांव के, उनसे बात करेंगे, वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो सरपंच साहब, दो शब्द आप भी बताएं कि आपका घर भी यहीं पर है और विद्यालय भी यहीं पर है, और इतनी बड़ी लापरवाही सामने है, क्या कहेंगे? तो हम देख रहे हैं सर कि यहाँ जब से मास्टर गए हैं कैलाश सर, तब से मतलब जो मतलब मास्टर है, एक नए मास्टर अभी आए हैं, तो कितना क्या करें, तीन तीन कमरा है क्लास, इतना स्टाफ है, तो उनको क्या ज़्यादा बात करें। तो पानी की सुविधा भी नहीं है सर विद्यालय में, पानी बच्चे कहाँ से पानी पी रहे हैं? पानी हो गया तो कहाँ से भरते हैं अपनी मालूम है सर, यहाँ डिब्बे में पानी ऐसे, और अभी खाना बनाने के लिए भी कितना दूर, हैंडपम्प कितना दूर है सर यहाँ से? सर यही करीब डेढ़ फलान है, जिया लाल के घर से 100 मीटर पास देख सकते हैं यहाँ पर। और जो विद्यालय का शौचालय है यहाँ विद्यालय में, शौचालय थोड़ा सा हम यहाँ की सफाई के बारे में दिखाएंगे ये, और इसके बाद यहाँ का शौचालय, पहले शौचालय की ओर चलते हैं। विद्यालय का हमने किचन दिखा दिया, और विद्यालय का क्लास भी दिखा दिया, और ये शौचालय की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। ये नवीन साला कटई का प्राथमिक विद्यालय है, जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं, और जहाँ की तस्वीरें आप तक हम लगातार पहुँचा रहे हैं, देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जो कुछ ग्रामीण हैं, हम उनसे भी बात करेंगे सर कि ये सुधार कैसे हो सकता है, क्या कुछ कहेंगे, कैसे ये पूरी सुविधा, मैंने बच्चों का भविष्य का जो खिलवाड़ हो रहा है, कैसे सुधार होगा? श्रीमान जी, अभी करीब वो जो मास्टर का ट्रांसफ़र हो गए, वो बच्चों को आज ये तीन स्कूल अपने ग्राम कटई में हैं, तीन स्कूल में एक टॉप नवीशाला है, उनके रहने में बच्चे जो प्राइवेट में पढ़ते थे, उन्होंने टीसी कटवा कटवा के यहाँ ले आ रहे हैं। सिर्फ ये कैलाश जी पढ़ाते हैं, लड़कों को संस्कार देते हैं, और उनका यहाँ के नेता ट्रांसफ़र करवाए कि प्रशासन ट्रांसफ़र किए, और जब से उनका ट्रांसफ़र हो गया तो बच्चों का इतना हाल बेकार हो गया कि लड़कों का अभी पहली क्लास के हैं कि वो उनके पढ़ाने में वो काका गाका बनने लगा। नहीं, पांचवी के बच्चों से अभी हमने पूछा गांव जिले का नाम, उनका ट्रांसफर हो गया, कोई एक मास्टर कितना समझाए सर, अब वो मास्टर को मास्टर अच्छा दें या कि उन्हीं मास्टर को रिटर्न करें, तब हमारे बच्चों का भविष्य बन सकता है। यानी मेरे को ये ख्याल है
कि यहाँ सिर्फ चावल दाल तक हमारे बच्चे रहेंगे। और तो चावल दाल भी तो टाइम पर नहीं, टाइम नहीं है। और जो आज वर्तमान में जो हमारे प्रशासन शासन और मंत्री मुख्यमंत्री हैं, यही बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटा पढ़ाओ साक्षर बनाओ, और एक तरफ मास्टरों को ट्रांसफ़र किया जाता है। जब शिक्षा की नहीं है तो कैसे बेटी पढ़ाओ बेटा पढ़ाओ कैसे हो? जो हैं हमारे पास मास्टर उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। श्रीमान जी से आपसे निवेदन है कि हमारा जिला महोदय तक पहुँचाई जाए और हमारे मास्टर को यहाँ भेजी जाए, अगर उनको नहीं भेजी जाए तो अच्छा मास्टर भेजी जाए। मास्टर यहाँ हाल ये है कि यहाँ के मास्टर अभी जो नए हैं तो पढ़ाई रहे देख रहे हैं अच्छे से हैं, जो पुराने मास्टर यहाँ के का थे उनसे 11 का पहाड़ा नहीं बनता है, 19 का पहाड़ा नहीं बनता है, 17 का पहाड़ा। तो मेरे बच्चे को कलेक्टर का कैसे बात बताएंगे कि कलेक्टर का क्या नाम है? तो समझ सकते हैं दर्शकों, ये पूरी कहानी विद्यालय का हमने दिखाया। और एक बात और रह गया सर, ये समूह जो यहाँ पर भोजन बनवाने का काम करता है, समूह का नाम क्या है सर? समूह का नाम होगा, समूह का नाम जो किस समूह से जो खाना बन रहा है, कौन बनवा रहे हैं? इसमें दुलारे जय सभा, दुलारे जय साहू समूह को बना रहे हैं। समूह का नाम तो स्वसहायता समूह नहीं, स्वसहायता समूह माने उसका नाम होगा। और ये दुलारे साहू जी समूह के संचालक जी 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 है ना, दुलारे साहू जी समूह के संचालक है। समूह का नाम पूर्व में